नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। इस ट्यूटोरियल में हम जा रहे हैं टेली का एक टॉपिक डिस्कस करने, जो कि होता है आपका बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल क्या होता है पहले जानते हैं। देखिए, बिल वाइज डिटेल का हम प्रयोग तब करते हैं जब कभी भी या तो उधार सामान खरीदा जा रहा होगा या उधार सामान बेचा जा रहा हो। तो जब कभी भी उधार सामान खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे एक बिल क्रिएट होता है। उस बिल में हम बिल नंबर, कितने दिन के लिए उधार दिया गया ड्यू डेज, कितने का उधार दिया गया ड्यू अमाउंट, पार्टी का सेट करते हैं। ठीक है। अब इससे फायदा ये होता है कि आगे चल के जैसे मान लीजिए उधार सामान बेचे हैं ना, तो जब हमें बिल रिसीव करना होगा तो ये नंबर को टैग करेंगे, इस नंबर पे जितना पेंडिंग बिल होगा हम उससे रिसीव कर लेंगे। ठीक है। बिल वाइज डिटेल में चार प्रकार के रेफरेंस का यूज किया जाता है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस, ऑन अकाउंट। बात करते हैं न्यू रेफरेंस कब यूज होगा, तो जब कभी भी उधार माल या तो बेचा गया होगा या तो खरीदा गया होगा। तो माल उधार खरीदते और बेचते वक्त एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा जो न्यू रेफरेंस के साथ किया जाएगा। अब मान लीजिए माल आपने बेच दिया, माल आपने खरीद लिया, तो जब उसका पैसा लेने और देने जाएंगे तो उसके समय पे आपका अगेंस्ट रेफरेंस यूज किया जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस कहता है कि कोई एग्जिस्टिंग रेफरेंस है जिसको सेटल करना है, तो उसी के लिए अगेंस्ट रेफरेंस का प्रयोग करो। माल आपने बेचा है तब तो न्यू रेफरेंस, जब उसका पैसा पाएंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस। माल आपने खरीदा, न्यू रेफरेंस, पैसा देने जाएंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब एडवांस में आपने पैसा दिया है या लिया है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है एडवांस रेफरेंस का। मान लीजिए एडवांस में पैसा आपने दिया होगा तब न्यू रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस, और जब उसका सामान खरीदेंगे तब अगेंस्ट रेफरेंस। एडवांस में पैसा आपने लिया होगा तब एडवांस रेफरेंस, और जब उसका सामान उस पर बेचेंगे तो वहां पे हो जाएगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है। ऑन अकाउंट का प्रयोग कब करते हैं, तो ऑन अकाउंट का प्रयोग करते हैं एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए। तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं। हमारे पास कुछ एक ट्रांजेक्शन है जो सामने दिए हुए हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया है, माल खरीदा बेचा गया है, ठीक है, सब कुछ किया गया, तो इनके लेजर पहले बनाने होते हैं। लेजर बनाने से पहले आपको फीचर सेट करना पड़ेगा F11, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बनाएंगे इस फीचर को यस करने के बाद लेजर। तो पहले वाले में देखिए क्या है, पहले वाले में कैपिटल है और कैश है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कैपिटल का अकाउंट बना, कैश तो बनता नहीं, टैली पहले से होता है। दूसरा सामान खरीदा गया परचेस और ABC कारपोरेशन, तो एक अकाउंट बना लिया परचेस का, एक ABC कारपोरेशन का। बट यही जब बनाएंगे तो मेंटेन बिल बाय बैलेंस बिल इसको यस कर देंगे और डिफॉल्ट पीरियड को 30 डेज कर देंगे। उसके बाद देखिए माल बेचा गया है, तो जब माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट और दिनेश, दो अकाउंट यहां होंगे। सेल्स अकाउंट भी हमने बना लिया, दिनेश भी बना लिया। अब पैसा रिसीव करेंगे तो वही अकाउंट से काम चल जाएगा, कैश है और दिनेश है, तो दोनों बन चुके हैं। एडवांस पेड टू सुरेश, सुरेश का अकाउंट हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, सुरेश को बना दिया अंदर संडी डेटर, है ना। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव है जो इस वाले में है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम उसको डाल दिया गया। तो ये सारे के सारे लेजर अपने को बना लेने हैं। ठीक है। अभी कैसे करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन को ही डायरेक्ट में टैली पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। टैली जब स्टार्ट हो जाएगी तो कंटिन्यू एंड एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे, इसको स्केप करके हटा दीजिएगा। सबसे पहला काम होगा आपका क्रिएट करना कंपनी। मान लीजिए नाम दे दिया बिल वाइज डिटेल और कंपनी कर दी एक्सेप्ट। यहां पे फीचर यस करना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस, पहले से यस होती है, नहीं होगा तो यस करा लीजिएगा। क्रिएट में आएंगे, लेजर मिलेगा और लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेजर देखिए आपका बनवाया गया है कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। दूसरा सामान खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट बनेगा अंडर में परचेज अकाउंट के। इसके बाद क्या था, ABC, एक लोग बताएंगे, ABC कारपोरेशन सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद कहेगा मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल यस होगा, कितने दिन के लिए उधार खरीदेंगे इनसे,
30 दिन के लिए 30 डेज करके एंटर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स का लेजर बनेगा, अंडर में सेल्स अकाउंट के चला जाएगा। दिनेश तो को माल बेचे ना, तो दिनेश सन्ड्री डेटर होगा, जिसको बेचते हैं वो डेटर होता है ना। डिफॉल्ट पीरियड इसका भी दे देते हैं कितना, 30 दिन, 30 लिख के एंटर कर देना, 30 डेज उठा लेगा। सुरेश सन्ड्री डेटर्स कितने दिन का, 30 डेज का। ओके, और भी है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट अंडर में डायरेक्ट इनकम, बस yes। अब इसके बाद एंट्री करनी है अपने को, वाउचर एंट्री में हम आ जाते हैं। पहली एंट्री होगी F6 की, तो F6 बटन दबा दीजिएगा चाहे क्लिक कर दीजिएगा। क्रेडिट में हो जाएगा कैपिटल, और 1,00,000 से शुरू किया होगा तो 1,00,000 रुपए हो जाएंगे आपके यहाँ पे कैश, ठीक है। कंट्रोल ही करके एक्सेप्ट करा दिया। फिर सामान खरीदा गया जी, F9 परचेज, F9 के बाद कंट्रोल H दबाइएगा, एच वाउचर में आ जाएंगे। खरीदे किससे हैं, ABC कारपोरेशन से। कितने का सामान खरीदा है जी, 10,000 रुपए यहाँ डालेंगे। कौन सा रेफरेंस होगा, न्यू रेफरेंस होगा। फिर बिल नंबर 101 दे देते हैं मान लो, डेबिट में हो जाएगा परचेस, है ना। सामान खरीद लिया, अब जब उधार खरीदे हैं तो इसका पैसा देना पड़ेगा, देना मतलब पेमेंट करना है। F5 दबाएंगे, ABC कारपोरेशन को पैसा दे दे रहे, 10,000 में से कितना, 8,000, 2,000 बाकी रहेगा, है ना। अगेंस्ट रेफरेंस होगा ना, नहीं जी अगेंस्ट होगा। क्रेडिट में हो जाएगा क्या, कैश। फिर माल बेचा गया ना, F8 करेंगे, कंट्रोल H करके H वाउचर में आ जाएंगे। किसको माल बेचे हैं, कितने का, 12,000 का, है ना। न्यू रेफरेंस रहेगा, बिल नंबर 102 दे देते हैं मान लो। क्रेडिट में सेल्स, अब माल बेचे उधार, पैसा लेना पड़ेगा। F6 किससे लेना है जी, दिनेश से लेना, कितना, 12 में से 10,000, 2,000 इधर भी बाकी रह गया जो लेना रह जाएगा आगे। अगेंस्ट रेफरेंस ही होगा, डेबिट में हो जाएगा कैश, और F5 एडवांस पैसा दे रहे हैं ना सुरेश को, सुरेश को दिया एडवांस में पैसा, कितना, 5,000 का। यहाँ हो जाएगा एडवांस रेफरेंस, नंबर दे देते 555 मान लो। क्रेडिट में कैश, यही ना। अब एडवांस में पैसा दिए तो इनसे सामान ले लेते हैं, F9 परचेस, पैसा दिए तो सामान खरीदना पड़ेगा ना, F9 परचेज, कंट्रोल एच करके आ जाओ यहाँ पे, खरीदेंगे सुरेश से। ये पकड़ा सुरेश को, कितने का, पूरा 5,000 का, इनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगेंस्ट रेफरेंस होगा जी, यहाँ पे ले लेंगे, कौन सा रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, और 555 जरूर ले लीजिएगा। डेबिट में हो जाएगा परचेज, इनका हिसाब किताब क्लियर। अब F7 जर्नल, F7 पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर डेबिट दिनेश, कितना, मतलब 10% ब्याज लगा, ठीक है, 2,000 पे ऑन अकाउंट होगा ना। अब यहाँ टक गई गाड़ी इसकी, थोड़ी वापस आके करते हैं। डेबिट में दिनेश, यहाँ किया 200, यहाँ लगा देना तुरंत ऑन अकाउंट, ठीक है। अब क्रेडिट में हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, यही ना, ये हो गया। अब रिपोर्ट देखनी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक तो देख लेंगे बैलेंस शीट में आके, देखिए इतना हमको देना है और इतना हमको लेना है। किससे किससे लेना है, सब दिनेश से ही लेना है 2,200 रुपये, ठीक है, दिखा रहा है ना। बाकी और देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप चले जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मीन्स कितना लेना है यहाँ दिखाएगा, ठीक है। अब पेबल मीन्स कितना देना है वो आपका यहाँ दिखाएगा, दिखा रहा है ना, जैसे पेबल में कैसे देना है। सामान खरीदे थे 10,000 का, 8,000 तो हमने दे दिया, तो देना और कितना बच गया, 2,000। तो ऐसे ही पूरा डिटेल दिखा देता है, तो यही होता है आपका बिल वाइज